अंधा आया सब अंधा अंधेरा छाया। कबीर महाराज बोलते हैं ये जग बौराना, साची कहो तो मारन लागे, झूठी कहो पतियाना। मैं झूठ बोलता हूं तो इनको समझ में नहीं आता, सच बोलते ये लोग मारते हैं मुझे। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में लड़ी लड़ी मर मन कोई जाना, साधो ये जग बौराना। कबीर महाराज वेरी क्लियरली से डू नॉट डिपेंड, आपको डिपेंड करना है सखा कौन है, कृष्ण है। देयर इज नो फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो फादर इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो मदर इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो वाइफ इन वर्ल्ड। ग्रहम नास्ति मातृ नास्ति पितृ नास्ति नास्ति बंधु सहोदरा तस्मात् जागृत जागृत शंकराचार्य से। ये सब आज है कल नहीं है, ये रिलेशनशिप माइंड का रिलेशनशिप है। 2000 years back Indians had many wives and many wives and many polyandry, महाभारत है कि नहीं है। These are all rules made by society at a particular point of time. There is nothing permanent about it. अगर ये permanent नहीं है तो relation permanent कैसे हो सकता है? Only one friend, कृष्ण सखा। Only one मार्गदर्शक, गुरुदेव। And गुरुदेव is an entity, not a person. All people of गुरुवर्ष का गुरुदेव हरिवर are our guide and philosopher. तो पढ़ना है तो गुरुदेव को, सुनना है गुरुदेव को, पूछना है गुरुदेव मैं कैसा दिखता हूँ, गुरुदेव क्या देखेंगे मुझ में, ये देखेंगे कि ये देखेंगे, तो गुरुदेव को दिखाना है। और गुरुदेव बोलेगा अच्छा गया बहुत बढ़िया, आज आपने क्या किया, व्रत किया, आज कितने बजे उठे, ब्रह्म मुहूर्त पे उठे, आज क्या पढ़ा, कठोपनिषद पढ़ा। गुरुदेव खुश होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा ये तीन करने से दुनिया में और कौन खुश होने वाला है? लोग बोलेंगे पागल है यार, सुबह उठ के पता नहीं कौन सी किताब पढ़ते हैं। Whenever I go and meet somebody, you will ask me, Southern India dekha? Nobody has come and asked me, Kathopanishad padha? Ye sawal hi nahi aata. So you can see the intellectual bankruptcy around in the world. Why do you get into this world? Aur sabse badi achhi thi hai, do not even fight with anybody. Bahut aake philosophy pata lagi. Somebody came to me and told me that, ab dekho, around this age of 55, I realize what the world is. सीधी उंगली से घेरी निकलता है। बिकेम अ फिलोसोफर एट द एज ऑफ 45, सो ही इज गॉट इट। देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग। Somebody will come and say, tell me one thing, कल क्या हुआ तुम्हारा कठोर निषेध था ना कल, ऐसे रहा क्या क्या बता देता हूँ। The guy doesn't know the spelling of कठोर निषेध and he's asking me, you know, वो गैजेट देगा कितना पैसे का बताओ। Can you weigh knowledge like this, is it possible? So best part is do not argue. Now you realize the importance of the statement of Jesus Christ. Pardon them, they do not know what they are doing. उनके लिए भगवान अपना काम नहीं है, भगवान भी कांपते होंगे इनको देख। Our standards parameter जिसको बोलते हैं ना, वो parameter बड़े clear होने चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ उससे गुरुदेव सम्मत होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि गुरुदेव बोलेंगे You are a stupid of highest order. तो बच्चे के साथ कल गुस्सा किया ना, डोंट कम टू मी। मैं एक ऐसी लेडी को जानता हूँ, बड़ी जीवन मुक्त है, बड़ी मतलब भक्त है, कृष्ण के साथ संवाद करती है। We invited her to deliver some lectures here. When we went her, you know what she said? I have to ask about Krishna. Half of the people in our side did not understand. They thought ki inka kutta, she is 85. Ab Balkrishna kon ho sakta hai? Ya to koi acha unmarried hai. And it took 3 weeks for them. And then she said ki haan, usne haan bol diya, main aungi. She went to America to deliver the lecture. She came back from Bombay. She drove to her place Amravati. She went there. First thing she did is went to meet him. Relation kya hai batati hai? Tab jab main pucha to relation bolti hai, chota bhai hai na. मैं जब यहाँ आई उसके 6 महीने बाद, नाउ शी इज 85, व्हेन शी वाज यंग शी वाज 9 years old, तब से प्रवचन करती है, व्हेन शी वाज 9 years old उसके पहले बाद 6 महीने से वो मंदिर बना। तो बोलती है बालकृष्ण कौन हुआ, मेरा छोटा भाई हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं दीदी बन गई ना उसकी, तो वॉट एवर टेंटरम ही सेड आई हैव टू लिसन। जैसी अमेरिका से आई शी वेंट देयर एंड कुड नॉट टेक द दर्शन। एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड, नहीं बोलता है, मना कर दिया, गुस्सा किया है, 2 महीने से हो नहीं ना। दिस इज कॉल्ड रिलेशन विद द गॉड।
दिस इज हाउ द रिलेशनशिप डेवलप्स. अब उनको कुछ पूछेंगे सखा दो ने बोली बाल कृष्ण है सूरदास महाराज, किसी को कुछ पूछते ही नहीं थे. बाख कबीर महाराज को जब हैंगिंग की न्यूज आ गई तभी भी कबीर महाराज बोलते ठीक है. कबीर को किसी ने बोला भाई वो कुत्ता काट रहा है आपको, बोले वो कुत्ता जाने और पिंडरी जाने, हमारा क्या लेना देना उससे. रामकृष्ण परमहंस की यही हालत थी. रामकृष्ण परमहंस को माथुर माथुर जो थे दमाई थे रानी राशमणि के, उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि इतने अच्छे पुजारी है तो ये पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स उनके नाम पे कर दो. ही स्टार्टेड टॉकिंग विद हृदय उनका नेफ्यू. दोनों बात करके ऐसे वरंडा से आ रहे थे और माथुर उनको बोल रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी है ठाकुर के नाम पे सब मैं कर दो. उतना रामकृष्ण परमहंस ने जाते वक्त सुना, जैसे ही कान पे आया वहां पे एक लकड़ी की काठी थी हाथ में लिया, उसके पीछे लगे नालायक मुझे दुनिया में खींचते हो. ये फर्क है. वर्ल्डली प्रेजेंस इज अ पॉइजन और हमारा उल्टा. भगवान कभी कभी दुनिया हमेशा और अच्छी लगती है. दुनिया अच्छी लगती है, रोज यहाँ पे दुख है, रोज लात पड़ती है, भयंकर दुख का भंडार है, फिर भी शादी करनी है, फिर भी बच्चे पैदा करनी है, फिर भी सोचना ही है कि एक दिन आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा. ऐसे करके ऊपर करके देखते रहते तब तक पीछे से यमराज अपना पैर खिसक के लेके चला जाता है. क्या कॉन्फिडेंस है देखिए, 60-60 साल के लोग भी बोलते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ. अरे अभी सोचने का वक्त नहीं है. Don't you come across everybody? What? Who gives the confidence at this age to think that they are perpetuating? You cannot. This age is now. अभी आप बताइए, 50 तो हो चुका, बराबर 70 के बाद गिनने में कोई फायदा नहीं क्योंकि होंगे आप तभी भी कोई और उठाने के लिए लगेगा आपको. तो बच्चे कितने एक्टिव साल है, उसमें आपने कितनी बार भगवान का ध्यान किया और कितना डर डर के रहेंगे हम. That is why Kabir says, हम पंछी परदेसी बाबा अनि देसरा नाही, वनि देसरा लोग अचेता पल पल डर माही. I am not from this place. I am from Abhay, Abhay land. So that is why, in terms of behavior, that is, गीता का श्लोक लेना है तो implementation के लिए. गीता का जितना भी तीसरा चौथा अध्याय हुआ, इसका intellectual discussion जो है वो intellectual वो के डिस्कशन के लिए जरूरी है, उसके मूल्य है, लेकिन उसको मर्यादा है. जरूरी ये है कि जितना कर्मना गहनो गति, तो कर्म कैसे करना है. जब फल की बात करिए, सोचिए मेरा कौन सा कर्म फल के हिसाब से होता है. घर पे जाके एक लिस्ट कीजिए एंड डोंट राइट कौन सा कर्म फल के हिसाब से होता है, राइट कौन सा नहीं होता है, क्योंकि वो लिखने लगेंगे तो किताबें बन जाए. एक भी कर्म हमारा ऐसा नहीं होता है जिसमें फल की अपेक्षा नहीं है. कभी ऐसा किया है कि कब भर चाय बनाई और अपनी वाइफ को दे दी है, कोई फल की अपेक्षा नहीं, होता ही नहीं है ऐसे. एक तो देते ही नहीं है, बात अलग ही. अगर दे भी दिया 15 बार तो कम से कम बोलेगा मैं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. कभी कभार जनाब ने बनाई होगी चाय, तो सेवा की वृत्ति अपने लोगों के साथ नहीं है. बाहर क्या करोगे आप, क्या क्या दर्द समझ में आएगा बाहर के लोगों का. वैष्णव जन तो तेने कही है पीर पराई जाने, कराई तो बहुत, तो घर की पीड़ा समझ में नहीं आती. पापा आ गए तो सब सन्नाटा, क्यों पता नहीं क्या बोलेंगे, कब भड़केंगे. भड़केंगे मतलब ये पेट्रोल का बॉम्ब भी रहता है, ऐसे कैसे हो सकता है. कहां मिली गई भगवत गीता. गीता का मतलब ये है कि काम कंपैशनेट शांत वृत्ति. घर में शांति इतनी होनी चाहिए. आनंद और शांति एक ही चीज की दो नाम है. शांति पैदा करना ये भगवत गीता पर. पहले जाके सबसे पहले आपके स्पाउस को पूछो तो भाई 6 साल हो गया हमारा भगवद गीता में, हमारा अभी दूसरा संस्करण चालू है. गीता तो एक बार इधर से होके दोबारा छठी बार चली गई आगे. मैं कहा हूं एंड वाइफ इज ऑलवेज अ गुड डिस्क्रिमिनेटर, शी इज अ वेरी क्रिटिकल जजमेंट. ये बोल के कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि पहले थोड़े ठीक भी थे, अब ये भी नहीं कर रहे वो भी नहीं कर. एंड दिस इज नॉट अ जजमेंट पास बिकॉज इट इज अदरवाइज इवन एनीमी वुड कम एंड से कि सर आप बहुत अच्छे हो गए, दोस्त हो गए. एवरीबॉडी शुड से दैट इट देयर इज सम चेंज इन यू, दैट इज व्हाई अपेक्षा बदल की है. गीता और बदल ये साथ में नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब या तो गीता अलग फ्रीक्वेंसी पे जा रही है, हम अलग फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं. सो गुरुदेव गीता और मैं, ये ट्राइंगल है. एक ट्राइंगल पे गुरुदेव बैठे, एक ट्राइंगल पे गीता बैठी, एक ट्राइंगल पे आप बैठे हो. ये त्रिकोण अगर सच के बैठना है
तो आपका नजर एक आंख गीता पर, एक आंख गुरुदेव पर, इस तरीके से चलता है। नहीं तो फिर ठीक है, हमारे पापा बहुत रिलीजियस है, हमारे वो जो है ना वो फ्राइडे हमेशा जाते रहते हैं, और ये जब वो किसी और को बताते तो ये बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि इंप्रेशन तो जब आध्यात्मिक बन गए हम लोग। इट इज बेटर नॉट टू डू, बोरे लोग बहुत अच्छे हैं, ना हमारे पास कृष्ण है ना हमारे पास गीता, इसलिए हम पढ़ते नहीं। दे हैव अ रीजन टू से। सबसे बदनसीब लोग इंडियन लोग हैं, गीता बगल में है, गुरुदेव बगल में है, और फिर भी हम कुछ नहीं करते। और एक प्रार्थना करें गुरुदेव से, कृपा रहे, आशीर्वाद रहे, भगवान साथ में रहे, और जो जो विचार हमको जहाँ जहाँ से मिलते हैं, आज शुक्रवार इतना अच्छा गया, इतना सुनने मिला, इतना विचारों में क्रांति लाएगा, कुछ ना कुछ इसमें से एक पेड़ उसके ऊपर भी हम लोग लटकते रहेंगे, तो एक आने वाला एक हफ्ता, तो और तब तक एक हफ्ते में दूसरा फिर आ जाता है, फिर दो श्लोक आ जाते हैं, उसी को इम्पोर्टेंट रखना है, बाकी सब खेल है। वो सारा खेल जैसा है वो जो क्रिएट किए वो चालू रखने का है, उसमें पति का रोल करो, उसमें अपना बॉस का रोल करो, भाई का रोल करो, रस्ते पे ड्राइवर का रोल करो, उससे कोई लेना देना नहीं। विचार खाली ये ट्रायंगल के अंदर रहने चाहिए।